आ गई है ते छा गई है तू सारी पिंडे वाली। जी जनाब, क्या हाल है मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स का। आज मैं बड़े मज़ेदार वीडियो लाई हूँ, हमेशा की तरह बड़े मज़े की जो है ना वो आज वीडियो बनने वाली है, आप लोगों ने देखना है। आज जो है वो मैं आपको बताऊँगी कि लॉकडाउन की सिचुएशन जो है वो क्या है इस्लामाबाद में, कौन कौन से सेक्टर्स खुले हुए हैं, कहाँ कहाँ पर लॉकडाउन जो है वो फुली इम्पोज होकर लोग उस पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और कौन से सेक्टर्स खुले हुए हैं, कौन सी जगह खुली हुई हैं, कौन सी जगह बंद हैं, और खाने पीने के आगे क्या क्या चीज़ें मज़ेदार सी कौन सी हमें मिलती है, और मैंने आज क्या खाया, देखें इस व्लॉग में। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले जो है सबसे पहले हम अपारा मार्केट की मैं आपको जो है वो सिचुएशन बताऊंगी, सूरत हाल बताऊंगी, उसके बाद हम F6 जाएंगे सुपर मार्केट, उसके बाद मैं F7 का जो है वो आपको बताऊंगी कि उधर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा, और लॉकडाउन की क्या सिचुएशन है, और लोग SOPs पे अमल कर भी रहे हैं कि नहीं, अब मेरी तरह निकले हुए कुछ खाने पीने कुछ लाइट सा मूड है और कुछ अभी समझ नहीं आ रहा, अभी डिसाइड नहीं किया। मैंने कहा मैं अभी देखूँगी फिरूँगी, मैं अभी देखूँगी कि भाई क्या मज़ेदार सी चीज़ का मेरा दिल कर रहा है, और जो मुझे रास्ते में कोई ढाबा या कोई जो है मुझे रेस्टोरेंट नज़र आ गया तो वो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या खाया क्या पिया और कौन सी शॉप्स मेरी जो पसंदीदा हैं वो बंद हैं। तो एक तो ये बड़ा अफसोस होता है ना कि जी आपका पसंदीदा रेस्टोरेंट वहाँ पर डाइन इन बंद हो, तो खैर हम लोग कार डाइन इन भी कर लेते हैं। जी तो जनाब, अपारा मार्केट की सूरत हाल आप देख सकते हैं, अपारा मार्केट हम पहुँच चुके हैं। अपारा मार्केट, अपारा जो नाम है वो बहुत इंटरेस्टेड, इसके पीछे जो है वो स्टोरी है कि अपारा जो है इसका नाम क्यों रखा था। आप कहते हैं जी पानी को, और पारा जो था वो अपारा 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 आप पारा मतलब पारा चांद के टुकड़े को, जी हाँ जी चांद के टुकड़े को, आप पारा पानी चांद का टुकड़ा कुछ इस तरह जो है इसका हम लोगों ने हिस्ट्री सुनी हुई है कि ये जी इस तरह का नाम होता है इसका, इसलिए इसका नाम जो है ना वो अपारा रखा है इसकी मुनासबत से। तो ये देखिए बीच में खाने पीने की दुकानें जो है जी वो सारी खुली हुई हैं, ठीक है ना, खाने पीने की दुकानें आप देख सकते हैं बीच बीच में सब खुली हुई हैं। चले मेरे साथ आगे मैं दिखाती हूँ। और माई फेवरेट्स, दीज आर माई फेवरेट रोड्स, मुझे जो है इस तरह के अंडर पासिस और टनल्स रात के इस पहर जो है वो मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं, लव इट, जस्ट लव इट। जी जनाब, तो आप ये देख सकते हैं F6 मेन सुपर मार्केट जो है वो हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पे बड़े मज़े मज़े के रेस्टोरेंट्स हैं, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कौन से रेस्टोरेंट्स खुले हैं और किन पे ज़्यादा रश है। नैंडोज़ पे चेक करें, नैंडोज़ पे जी पार्किंग कोई नहीं मिल रही, इधर जो है वो काफ़ी रश था नैंडोज़ पे, वन कप कॉफ़ी भी था, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और मार्केट्स फ़ायज़ा सैलून पे जी बहुत ज़्यादा, ये देखें जी कसपास, कसपास की आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों ने कभी जो है इसकी आइसक्रीम या डिज़र्ट्स इसके ट्राई किए हैं, सुना है बड़ा एक्सपेंसिव है और क्वांटिटी जो है वो कम होती है और क्वालिटी भी कोई इतनी ख़ास नहीं होती। रोस्टर्स, रोस्टर्स जो है जी वो कमिंग सून है, ओपन होने वाला है, और ये पूरी जो लाइन है ये देखें जी खाओ पियो का ढाबा, खाओ पी के ढाबे में जो है वो इसमें जो है वो गूंगे और बहरे जो हैं उन लोगों ने ये स्टार्ट किया था, डिसेबल लोगों ने, बड़े जो है इनका ढाबा चलता है और बहुत ज़्यादा जो है इधर लोग आते हैं खाने पीने के लिए। और ये देख सकते हैं जी नेक्स्ट कौन सी जगह आ रही है, नेक्स्ट जगह आ गई है जी टैटू, टैटू की जो है वो भी फूड बहुत औसम होता है, बहुत मज़ेदार होता है, लेकिन थोड़ा मम्मी डैडी फूड होता है, क्वांटिटी उसकी भी कम होती है, तो इसलिए हमारी तो ऐसी चीज़ों से लगती नहीं है, हम लोग तो खाते हैं जी देसी फूड। तो बर्गर्स वैसे पिंडी वालनी के जो फेवरेट नहीं हैं, तो आगे मैं दिखाती हूँ जी। शैल का पेट्रोल पम्प भी खुला है, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है वो भी खुला हुआ है, और आगे मैं आपको दिखाती हूँ एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो है वो मैंने कैप्चर की है और मैंने उसकी वीडियो बनाई है स्पेशल आप लोगों के लिए, तो वो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी कि वो कितना ही हसीन। ये देखिए जी बैंक्स वगैरह खुले हुए हैं, बैंक के ATMs जो हैं वो उसमें हर वक्त रश लगा होता है, बैंक के ATMs में रश 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 रश। इस जगह की जो
मैं बात कर रही थी, देखिए कितनी खूबसूरत और कितना प्यारा है जी हमारा इस्लामाबाद। अब ये चेक करें कितनी खूबसूरत डेकोरेशन और ग्रीन जो है वो दरख्त है और ग्रीन ही जो लाइट्स हैं वो रात में कितना खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ये F6 और F7 के बीच के जो हैं वो मनाजिर हैं और बहुत ही जो है पीसफुल रोड थे इस टाइम। इस्लामाबाद लवर्स जितने भी हैं ना वो इस वीडियो को देख के बहुत ही खुश होंगे कि कितना खूबसूरत है हमारा इस्लामाबाद। देखिए मेरे साथ आगे इस वीडियो में F7 एट्रियो जो है जी, एट्रियो इसी तरह ही कुछ है। एट्रियो हम तो एट्रियो ही कहते हैं। एट्रियो F7 में जो है वो आ चुका है। ये आप देख सकते हैं दरख्त के पीछे और बड़ा ही खूबसूरत इनका ना जैसे वो ट्री हाउस टाइप का होता है ना वो इस तरह करके ऊपर जो है इसका वो बना हुआ है। इसकी ज़बरदस्त हाइट ही होती है और हाइटेड बफेट बहुत ज़बरदस्त होता है। आप लोग इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मैं भी किसी दिन इसका व्लॉग आप लोगों के लिए लाजमी शेयर करूँगी। और ये देख सकते हैं जी F7 की मार्केट आ चुकी है जो कि टोटली जो है वो बंद है और इधर बड़ा SOPs का ख्याल रख के तो फिर जो है इन लोगों ने बड़ा जो है वो अच्छा इकदाम किया है कि इन लोगों ने पुलिस को जो है वो फॉलो किया है। इन लोगों ने जो SOPs जारी हुए हैं उसके हिसाब से सारी शॉप्स बंद है लेकिन कुछ लोग जो है वो कहीं पे नहीं भी करते। तो इस्लामाबाद जी F6 F7 सारा लॉकडाउन के मुताबिक सब कुछ बंद था। F7 के मशहूर बर्गर फेस्ट, बड़ी मज़ेदार खुशबुएँ आ रही थी यहाँ से जी। तो ये थी जी लॉकडाउन की सूरत हाल इस्लामाबाद के सेक्टर्स में जहाँ जो मैंने आपको दिखाई हैं। और फिर के हम लोगों ने लॉन्ग ड्राइव करके जो है वो कुछ भूख लगना स्टार्ट हुई है। और इस्लामाबाद में जो है वो मुझे कोई ज़्यादा ख़ास फूड पसंद नहीं आया क्योंकि अगेन पिंडी वाले इज़ द लवर ऑफ़ देसी फूड। तो इसलिए जो है वो हम इस्लामाबाद से जो है वापस पिंडी की तरफ जा रहे हैं। तो वो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊँगी कि मुझे क्या खाने में मिला, क्या मुझे पसंद था और क्या मुझे मिला और कितने मज़े की चीज़ जो है वो मैंने आगे खाई। तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। पिंडी पहुंच के अभी हम इस्लामाबाद से निकले हैं और इस्लामाबाद से मैंने देखा तो मुझे कोई भी शॉप इतनी कोई ख़ास खुली हुई नज़र नहीं आई। खाने पीने वाली चीज़ों में एक शॉप नज़र आई। ओह माय गॉड, ये चेक करें जी पिंडी वाली किस पॉइंट पर आगे रुकी है। और रात का ये पहर और ये जूसी टेंडर फुल ऑफ टेस्ट दीवान ब्रोस्ट। मैं आके रुकी हूँ जी चांदनी चौक, मेन चांदनी चौक पे दीवान ब्रोस्ट पे। इसका आप सिर्फ टेक्सचर चेक करें और इसका जो ऊपर से जो लुक आ रही है ना थोड़ी थोड़ी ग्रिल्ड, सिर्फ आप इसकी वो लुक चेक कीजिए। तो ये मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी। 5 स्टार्स जो है वो मैं इसको हमेशा देती हूँ। और इसके साथ ये मज़े के जो इसके सॉसेज हैं ना, इसकी ये स्पेशलिटी ये रायता होता है और इसके ऊपर जो है ना वो बीच में केचप लगा के आप इसे रोगनी नान के साथ सर्व करते हैं ये। और 220 का जो एक पीस होता है तो वो बस चलते चलते अचानक जो है जी वो मेरा मूड बन गया तो मैं आके रुकी हूँ इस दीवान ब्रोस्ट पर। ये देखें कितना टेंडर और कितना जूसी लग रहा है। ये चेक करें आप, ये देखें जी। तो ये जी पिंडी वालनी ने जो आज की मील है वो खाई। ये कुछ बाद के हालात हैं, बाद की सूरत हाल है। बस ऐसा कुछ हो जाता है बाद में खाना खाने के। तो जी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।